नमस्कार प्रिय सिंह राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम शनि बकरी स्पेशल विशेष में। जी हां प्रिय सिंह राशि वाले, शनि जो ग्रहों में न्यायाधीश है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में संघर्ष के अधिष्ठदाता है, मतलब जो भी मनुष्य अपने जीवन में स्वयं मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंचा है या फिर मेहनत करने के बाद भी उसको फल नहीं मिल पा रहा है, इसके सीधे अधिष्ठदाता शनि होते हैं। और नौ ग्रहों में जो है ये जन्म कुंडली में कर्म और आय और संपत्ति के सीधे कारक होते हैं। तो प्रिय सिंह राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो शनि है ये 17 जून रात्रि को 10:57 से लेकर के 4 नवंबर 12:32 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं। जब ये वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो शनि वक्री हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या क्या पड़ेगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है। प्रिय सिंह राशि वाले, वीडियो की जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, यह वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आप चाहें तो लग्न राशि या नाम के अनुसार भी इसकी जानकारी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से चलता है तो इसे मार्गी बोलते हैं, जब कोई ग्रह अपनी गति से तीव्र गति से चलता है तो इसे अतिचारी ग्रह कहते हैं, और जब कोई ग्रह अपनी गति से थोड़ा स्लो मोड पे चलता है यानी धीमी गति से चलता है इसे वक्री कहते हैं। क्योंकि यह ग्रह वक्री होता है तो एक राशि से दूसरे राशि पहुंचने में इसे थोड़ा समय लगता है और इस स्थिति में यह पृथ्वी से पीछे की ओर दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी बना लेता है ज्यादा तो वक्री अवस्था में रहता है। ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने वास्तविक स्थान से एक स्थान के पीछे के विफल को प्रदान करता है और जो इनकी दृष्टि होती है इसके प्रभाव में भी कमी आती है। शनि के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहां बैठता उस स्थान को तो नुकसान पहुंचाता ही है, ये जहां देखता उस स्थान को 10 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो निश्चित तौर पर जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में ये तीसरी दृष्टि से भाग्य स्थानी मेष राशि, सप्तम से सिंह राशि और दशम से जो वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, ये तीनों राशियों के स्वामी इनके शत्रु हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो शनि का दृष्टि का भी प्रभाव जो कम होगा इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपकी कुंडली में शनि जो है ये सप्तम भाव का अधिपति होने के कारण वक्री मार्केस होता है, इसीलिए जब इसका प्रभाव खत्म होगा तो सबसे पहला जो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं फेस कर रहे हैं मैरिड लाइफ को लेकर के, तो मैरिड लाइफ में सुधार होना चालू हो जाएगा। आप कभी कभी घमंड, ईगो को लेकर के या गलत निर्णय को लेकर के अपना व्यापार और अपने दाम्पत्य जीवन को जो खराब करके रखे हुए हैं, आप मन में आपकी शांति आएगी और सही डिसीजन और सही निर्णय लेकर के अपने लाइफ को स्थिर करने का कोशिश करने लगेंगे। किसी कारण से आपके जीवन साथी ने आपको धोखा दिया या परेशानी पैदा हुई, इसको भी आप नजरअंदाज करके अब थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अपने मैरिड लाइफ को ठीक करने का प्रयास करना चालू कर देंगे। इसके अलावा जो है काफी मेहनत करने के बाद भी जो है आपको ऐश्वर्य या सम्मान नहीं मिल पा रहा था वह मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी लगन पे दृष्टि पड़ रही है जिस कारण से जो है तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, इसके अलावा जो है हेयर फॉल या स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं चल रही हैं इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा, यानी जीवन के परफेक्ट और सही दिशा पे आप जाना चालू कर देंगे। क्योंकि यह आपके जीवन में इच्छा कारक हाउस होता है लग्न, तो आपके जो मन में इच्छाएं थी जो अधूरी छुटी हुई थी यह पूर्ण होना चालू हो जाएगी। ना चाह करके भी लंबी लंबी यात्राओं का आपके जीवन में योग बना, ना चाह करके भी स्थानांतरण हुआ वह ठीक होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा पंचम षष्ठम भाव को भी यह बहुत हद तक इफेक्टिव बनाएगा, जो आपके घर के ही परिवार के लोग जो आपके शत्रु बने बैठे थे या आपके कोई ऐसे शत्रु जो आपको बहुत ज़्यादा तनाव या परेशानी पैदा करके रखा था इनसे मुक्ति मिलनी चालू हो जाएंगी। आपके जीवन में जो कर्ज की स्थितियां बढ़ी इसमें सुधार हो जाएगा। प्रथम संतान और द्वितीय संतान दोनों के भविष्य को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी या द्वितीय संतान कंसीव होने में जो समस्याएं हो रही थी इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी, या द्वितीय संतान डिप्रेशन या स्वास्थ्य उनकी खराब चल रही थी जिसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में ठीक होने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सप्तम भाव में विराजमान होने के कारण आप नौकरी छोड़कर के व्यवसाय में आना चाहते थे या नौकरी या व्यवसाय में किसी पार्टनर को सपोर्ट के लिए पार्टनर का सपोर्ट लेना चाहते थे, इससे लाभ मिलना चालू हो जाएगा।
किसी कारण से आपके जीवन साथी आपसे रूठ के चली गई थी, तो मतभेदता में भी जो है बहुत हद तक जो है आपके जीवन में कमी आना चालू हो जाएगा। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वाले सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शनि की चतुर्थ भाव पे जो है दशम दृष्टि थी और यह जो है वक्र अवस्था में इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो आप किसी कारण से अपने घर से दूर थे या आपकी कोई ऐसी संपत्ति जो सेल नहीं हो पा रही थी, यह दोनों समस्याएं आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा, जो प्रमोशन काफी सालों से रुका हुआ था वह ठीक होगा। जो लोगों को विदेश यात्रा में जाना है आप कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने जीवन में किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या किसी को प्यार करते थे या फिर एक रिश्ते को छोड़ के दूसरे रिश्ते में जाना चाहते थे, जो गुप्त जीवन में आपके जो गुप्त रिश्ते चल रहे थे या गुप्त जीवन जो चल रहा था वो समाज की ओर आप आएंगे, समाज की तरफ उसको लाएंगे और उसको जो है आप अपने जीवन में स्थितियों में सुधार करना चालू कर देंगे। सास ससुर से जो तालमेल खराब था इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। जो आपके परिवार के ही लोग, खास करके जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके नौकर चाकर जो आपको पीठ पीछे धोखा देते थे, इसमें सुधार की संभावनाओं को बहुत हद तक जो है ये बेहतर चालू कर देगा। जो आपके विरोधी थे, जो आपके चारों तरफ बदनाम कर रहे थे, आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करेगा और क्रोध को साइड करके जो आप अपने जीवन में सोच सोच करके अच्छे निर्णय लेने चालू कर देंगे। समाज में या पब्लिक के बीच में जो सम्मान चली गई वह धीरे धीरे वापस आना चालू हो जाएगा और इस बार जो है आप अपने जीवन को बहुत हद तक सही करेंगे। प्रिय सिंह राशि वाले, ये 140 दिनों का समय ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा है, आप इसको अत्यधिक कोशिश करें बेहतर बनाने का और इसका परिणाम भी बहुत ही बेहतर मिलेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए 5 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। देखिए 140 दिनों में आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बताई गई जानकारी है आपको पूर्ण रूपेण बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।